गर्दन के मोहरों और पट्ठों के खिंचाव का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन है। गर्दन के मोहरों का दर्द से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने आधी दुनिया को अपनी लिपट में लिया हुआ है। हम बात करेंगे गर्दन के मोहरों और पट्ठों के खिंचाव पर कि ये क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। इंसान की अपनी की गई गलतियों की वजह से अक्सर ऐसे मर्ज जन्म लेते हैं। गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा होने की वजह से गर्दन में दर्द होता है। गर्दन में खिंचाव, मोरों का हिल जाना, गर्दन के दर्द की तकलीफ किसी भी उम्र में हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह गलत तरीके से सोना है। गर्दन के मोरों का खिंच जाना मरीज के लिए काफ़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस बनता है। जब तक इस तकलीफ का इलाज ना करवाया जाए तब तक इंसान इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। गर्दन के मन के हिल जाने से, गर्दन पर हादसाती चोट लगने से भी गर्दन के मोरों और पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। गर्दन की नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है जिसकी वजह से गर्दन के मोरों में खिंचाव पैदा होता है। इस मर्ज की और भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि चोट लगना, ज़्यादा देर तक गर्दन को एक ही पोजीशन में रखना, सोते वक्त गर्दन को तकिए पर गलत तरीके से रखकर सोना, या कोई हादसा या एक्सीडेंट, खेल कूद के दौरान गर्दन को एकदम से झटका देना। गर्दन के मोहरों और पट्ठों का खिंचाव कोई परेशानी की बात नहीं, अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप ऐसे मर्ज या ऐसी तकलीफ में मुब्तला हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, इसको हल्का मत लें। गर्दन की नसों में खिंचाव उस वक्त पैदा होता है जब गर्दन की वेंस में स्वेलिंग हो जाए या खून के दौरानिए में रुकावट पैदा होने लग जाए तो गर्दन के पट्ठे खींच जाते हैं, जो इंतहाई तकलीफ का बाइस बनते हैं। इसकी वजह से इंसान ना तो कुछ खा सकता है, ना ही गर्दन को हरकत दे सकता है। अगर वो गर्दन को हरकत देने की कोशिश करे तो इसको बहुत तकलीफ होती है। ज़्यादा देर तक एक ही हरकत में रहने से गर्दन के पट्ठे अकड़ जाते हैं। दरअसल रीढ़ की हड्डी के ऊपर की जानब गर्दन के अंदर तकरीबन 7 मोरे होते हैं। हर हड्डी या मोरे के दरमियान में डिस्क होती है। अगर इन मोरों पर चोट लग जाए या दबाव पड़ जाए या सूख जाए या सुकड़ जाए तो तकलीफ का बाइस बनते हैं। अक्सर लोग झुककर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और घंटों एक ही हरकत में बैठे रहते हैं, और इसी तरह ज़्यादा देर तक स्टडी करने वाले अफराद इस मसले से दो चार होते हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने नहायत कीमती जड़ी बूटियों पर साला साल की रिसर्च करके इसका इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज की खास बात यह है कि इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। डिस्क में हो जाने वाले मसले या गैप को जड़ से ख़त्म करे। मोरों या गर्दन के मन के हिल जाने से जो तकलीफ़ होती है, मनकों को अपनी जगह पर लाकर इस इलाज से हमेशा के लिए आप इस तकलीफ का मर्ज से बच जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप इलाज करवा कर और हर हरबा इस्तेमाल करके थक चुके हैं और आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो आज ही तासीर दवाखाना के इस अनमोल फार्मूले को एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और इस मर्ज से हमेशा के लिए जान छुड़वाएँ। आपकी तमाम परेशानियों का वाहिद हल, तमाम मुज़र असरात से पाक इलाज जो दे आपको पुरसकून ज़िंदगी। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है। इलाज में सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें और खुराक में ऐसी गज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें ताकत ज़्यादा हो और खून की सर्कुलेशन अच्छी हो। घर की खालिश खुराक खाएँ, मछली, गोश्त, मगज़ियात का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियाँ और फलों का भी इस्तेमाल करें, दूध रोज़ाना पिएँ, मिल्कशेक ज़रूर पिएँ। गर्दन के दर्द के दौरान सख्त गज़ा से परहेज़ करें, इसको चबाने में गर्दन पर ज़ोर पड़े, क्योंकि सख्त गज़ा को चबाने में गर्दन पर ज़ोर पड़ता है और वो तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ जिस पर अमल पैरा होकर आप इस मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें गर्दन पर ज़्यादा वज़न या ज़ोर ना डालें जिससे नसें खींच जाएँ। ज़्यादा देर गर्दन को झुका कर ना रखें। लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते वक्त 8 या 10 मिनट के बाद गर्दन को मूव करें और थोड़ी देर रेस्ट करें। तकिए पर गलत तरीके से गर्दन रख कर ना सोएं। खेल के दौरान खास ख्याल रखें कि जंप करते हुए गर्दन को ज़ोर का झटका लगने से बचाएं। इन तदाबीर पर अमल करके आप इस मसले से बहुत जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना के इस फार्मूले को ज़रूर आजमाएं और इस ख़तरनाक और इंतहाई तकलीफ दा मर्ज से जान छुड़ाएं। गुज़श्ता 80 साल से तासीर दवाखाना अवामुन नास की खिदमत कर रहा है और हमारे इलाज से हज़ारों मरीज सेहतयाब होकर पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
आप भी आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो ये मेडिसिन आप बाज़रिया ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।